0.2 m. समझ में आ गई? यस मैम। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉरी मोलैरिटी मास ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट मास ऑफ Na2CO3 3m 100 ml सॉल्यूशन। आपको मास निकालना है Na2CO3 का 3m 100 ml सॉल्यूशन में। यहां पर हमें मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, और आपको मास निकालना है। अब मैं फॉर्मूला लिख रही हूं फिर से, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए आपके गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कितना होगा Na2CO3 का? Na का होता है 23 × 2। इनको बार बार निकालोगे तभी आपको मोलर मास भी याद होंगे। जब बार बार आप निकालोगे अपने हाथ से तभी आपको याद होंगे कि सोडियम का 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 × 16 जोड़ लीजिए 106 आएगा, 106। हाँ 106 आ गया। ठीक है, अब देखो हमने मोलर मास निकाल दिया, अब आप मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में रखो। हमें मोलैरिटी दे रखी है यहां पर 3। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में इस गिवन मास को मान लीजिए एक्स, मोलर मास आपका 106 है, इनटू वॉल्यूम दे रखा है कितना 100 ml 100, उसको कन्वर्ट करो उसमें 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। सॉल्व कर दो, x इज 31.8 3 × 106/10 कितना आ गया 31.8। शाबाश 31.8। शाबाश शाबाश, वेरी गुड 31.8। क्या आवाज, निखिल कैसे चला गया? निखिल आया था स्टार्टिंग में और उसका मुझे लगता है नेट की प्रॉब्लम है। 31.8 समझ में आ गई बात मेरी? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मोल से निकालने, ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 100 ml ऑफ 0.2 n सॉल्यूशन करो 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 जल्दी करो। करो 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 सॉल्व करो।
क्या करेंगे हम इसमें? देखो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते हैं, गिवन अस अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो गिवन मास हमें नहीं दे रखा है यहाँ पर, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, इससे नॉर्मलिटी आपको दे रखी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा कितना, 0.2 × 100/1000। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया आपके 0.02, कितने आ गए 0.02, इतना नोट करो 0.02। कर लिया। एक फॉर्मूला बनाया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे और उस पे, इस पे भला नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे फॉर्मूला बनाया था ना आपने, फॉर्मूला था हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, याद है, था ना। तो ये हमारा 0.0 इज इक्वल टू मोल्स और एन फैक्टर 2 है, तो मोल्स आ गए हमारे कितने 0.01। अब आपको पता है कि 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई, 6.023 × 10⁻²³ एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो 0.01 में कितने होंगे, कितने होंगे 6.023 × 10⁻²³ × 0.01। तो आंसर आ गया 6.023 × 10⁻²³ 21 मॉलिक्यूल, 6.023 × 10⁻²³ 21 मॉलिक्यूल। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे अब तुम। स्नेहा, हर्षित, राज, चेतना, जल्दी जल्दी बोलो, रिस्पॉन्स किया करो, मेरे को समझ में तो आया, क्लास बैठी है। आ गया मैम। आ गया राज, चलिए। आ रहा है मैम। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो हो गए आपके नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बहुत सारे सवाल है। अब मैं आप लोगों को करा रही हूँ मास परसेंटेज के। मैंने लास्ट आपको कितना करा दिया था, जरा मुझे बताएगा कोई, फॉर्मूला कौन कौन से लिखा दिए थे मैंने तुम्हें, वॉल्यूम का मास वाइज वॉल्यूम का करा दिया था ना। चलिए अब एक न्यूमेरिकल मास वाइज वॉल्यूम का भी करा देती हूँ। लिखो क्वेश्चन, लिखो 3 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूला था इसका, नोट कर लिया ना? यस मैम। हाँ तो लिखिए,
वेट वाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो मास दे रखा है ना 3 ग्राम सॉल्यूट का और वॉल्यूम दे रखा है 100 ml इनटू 100 तो आ गया 3%। क्या आ गया? 3% ठीक है। क्या आ गया? यस मैम 3% ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो वॉल्यूम अ सॉल्यूशन ऑफ एक्वस HCl इज 7% वेट बाई वेट सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम What is its mean? अगर हम कहते हैं कि 7 HCl का सोल्यूशन है जो कि 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि 7 ml ऑफ HCl डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन 7 ml ऑफ HCl डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है ना इसका मतलब ये है कि 7 ml आपने HCl को 100 ml सोल्यूशन में डिजोल्व किया है। 7 ml HCl को 100 ml HCl में सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलिए अब मैं आप लोगों को टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म और बता दूं, उसके बाद इन दोनों में आपस में रिलेशन बताऊंगी। लिखिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सॉरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कल मैंने डिपेंडेंट बताई थी अब इंडिपेंडेंट बता दू इनडिपेंडेंट फिर सबके क्वेश्चन कराऊंगी। पहला है आपका परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज मास बाय मास जो भी आप कहना चाहो। इसका मैम लास्ट पॉइंट बचा है ppm वाला। ppm वाला ही बता रही हूँ ppm वाला ही बता रही हूँ लेकिन चलो पहले ppm वाला ही बता रही हूँ। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पर हमने वेट बाई वॉल्यूम भी लिया है और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी लिया है दो चीजों में बता रहे हैं हम पार्ट्स पर मिलियन को। पार्ट्स पर मिलियन क्या है? 1 मिलियन में उस सब्सटेंस का 1 पार्ट प्रेजेंट है 1 मिलियन में। तो हम अगर हम ppm वेट बाई वॉल्यूम देखते हैं तो इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10^6 इंटू 10^6। दोबारा सुन लो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10^6। यहां पर 10^6 का मतलब है मिलियन से 1 मिलियन से कि 1 मिलियन में उस 1 मिलियन में उस सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है नोट कर लिया? Yes, ma'am. एक और लिखो ppm वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10^6 इंटू 10^6। आपको पता है जो एयर पॉल्यूटेंट वगैरह होते हैं या हार्डनेस होती है, इन सब को मेजर करने के लिए हम ppm का यूज करते हैं कि हार्डनेस कितनी है, 200 ppm है। डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए भी ppm का यूज करते हैं हम कि एयर वाटर में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके लिए भी ppm यूज करते हैं। ऐसे हार्डनेस के लिए कि पानी कितना हार्ड होना चाहिए, 200 से ब्लू अगर ppm है तो वो पानी पीने लायक है। तो ppm बहुत छोटे अमाउंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कि 10 लाख में 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख में वो कितना। समझ में आ गई बात मेरी? चलो अब नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में पहला लिखिए वेट बाई वेट परसेंटेज। इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ऊपर 100 इंटू 100 इंटू 100। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, एग्जांपल है 5% वेट बाई वेट, 5% वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, तब आपका 5% वेट बाई वेट आया। 10 मिनट बचे हैं, जैसे एक एग्जांपल और दे रही हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये? यस मैम। हाँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्वेश्चन है 10 ग्राम सुक्रोज, चीनी जो हम खाते हैं, सुक्रोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, what is weight by weight percentage? तो देखो 10%। हाँ, very good। चलो ऐसा response क्या करो, मुझे भी लगे कि क्लास हो रही है। कल सीमा मैम भी यही बात कर रही थी कि बच्चे बोलते ही नहीं है बिल्कुल, तो ये हो गया। अच्छा एक चीज और, रुको अभी, इसमें क्या है, आपने कहा 100 ग्राम ऑफ वॉटर यहाँ पर, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 100 ग्राम वाटर का मतलब है ये सॉल्वेंट हो गया हमारा, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही है ना। लेकिन यहां पर ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो उस केस में आप क्या करोगे, नोट कर लिया इतना आपने, नोट कर लिया? यस मैम। तो नोट आप देखिए, सॉल्यूशन हो गया आपका 10 + 100, 110 ग्राम। तो वेट बाई वेट परसेंटेज निकालो, 10 upon 110 इंटू 100, 9.09। अगर वाटर की जगह सॉल्यूशन होता ना तो तुम्हारा 10% ठीक था, तो आपका 10% ठीक था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ इसमें, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको मास डिपेंडेंट और मास इंडिपेंडेंट एंटिटीज को आपस में कन्वर्ट करना है तो आपको डेंसिटी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्वेश्चन लिखेंगे 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml
100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml. नोट करो इसको, 1.2 ग्राम पर ml. और इसने हमसे पूछा है वेट बाय वेट, और हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया. तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के वेट में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग डेंसिटी. नोट कर लिया इतना? यस मैम. हाँ, तो देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी दे रखी है 1.2 और वॉल्यूम दे रखा है आपको 100, 120 ग्राम. अब वेट बाई वेट निकाल दो. वेट आपको दे रखा है सॉल्यूट का 10 ग्राम बटे 120 इंटू 100, 8.3 ग्राम. शाबाश, 8.33% बेटा, परसेंट में अभी. हाँ, परसेंट में. आगे बात समझ में आ गई? यस मैम. चलो अगला लिखिए, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ. लिखिए, अ शुगर सॉल्यूशन ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम, 10% वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, फाइंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन is 1.2 ग्राम पर ml. जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फटाफट फटाफट नोट करो. और सॉल्व करके दिखाओ फटाफट मुझे. आज हर्षित से पूछूंगी आंसर. हर्षित जल्दी कर और आंसर बता मुझे इसका. हर्षित जल्दी करो बेटा और आंसर बताओ. निखिल का तो आज नेट चला गया है, निखिल तो आया ही नहीं वापस लौट के. कितना आया? 3 मिनट रहते हैं बस. कल के लिए टॉपिक जो है वो होगा मोल फ्रैक्शन. इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगी. अभी तो आपको मोलैरिटी भी बतानी है, मोलैरिटी भी बता, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों बताने हैं. सॉल्व करना और इसका आंसर भेजना मुझे. नेक्स्ट आ रही है टॉपिक मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से, या एक्स भी कह सकते हो इसको, जीटा से या एक्स से. मान लीजिए एक कंटेनर है और उसमें ए के भी मोल है और बी के भी मोल है. ठीक है, तो हमें इसमें ये पूछा गया है कि इसमें ए के मोल का कितना फ्रैक्शन है और बी के मोल का कितना फ्रैक्शन है. जैसे निकालते थे ना, आपको याद होगा हम मैथ में एक क्वेश्चन करते थे छोटेपन में, जैसे एक ये
लॉग है, इसमें ये बना दिया आपने, इसको काला काला कर दिया, इसको काला काला कर दिया, और ये पूछ लिया कि काले वाले पार्ट का कितना फ्रैक्शन है और व्हाइट वाले पार्ट का कितना फ्रैक्शन है, याद आया? यस मैम। करते थे, ये उसी टाइप का है कि आपसे एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दोनों के मोल्स हैं, और आपसे ये पूछा कि इन दोनों के मोल का फ्रैक्शन कितना होगा, उसे कहते हैं आप मोल फ्रैक्शन। तो इसका फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बहुत काम आने वाली चीज है ये, ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैंने कहा आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, सबके मार्क्स देख रहे हैं मुझे, ठीक है, और उनका फ्रैक्शन निकालना है। मान लीजिए 100 नंबर आए सबके मिला के, और सुजल के मान लो 15 नंबर आए उसमें से, तो 15/100 ये सुजल के मार्क्स का मोल फ्रैक्शन होगा। समझ में आया? समझ में आई बात मेरी? अब मान लीजिए जल्दी टाइम नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। अच्छा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1, नोट कर लेना इसको, दोनों यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं अगर सी बी है डी बी है सबके मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 होता है।